नमस्कार। देश में बिजली संकट क्यों बढ़ रहा है? आखिर क्या कारण है कि आज पूरे देश में बिजली का हाहाकार मचा हुआ? जहां तक कि अमित शाह जो अपने देश के गृह मंत्री है, इन्होंने भी अभी अभी दो दिन पहले लेटेस्ट एक आपात बैठक बुलाई है। उसमें सभी अधिकारियों को बुलाया है और सभी को कहा है कि कोयले की बराबर उपलब्धता रखें और जो थर्मल प्लांट्स है उनको कोयला बराबर उपलब्ध कराया जाए। आखिर देश में कोयले का संकट आया कैसे, क्या कारण है, उसके बारे में अपन जानेंगे। आइए देखते हैं क्यों बढ़ रहा है देश में बिजली संकट। आपको नोट करने वाली बात यह होगी कि देश में 70% जो बिजली सप्लाई होती है वो थर्मल पावर प्लांट से होती है, ये ध्यान रखना, और 30% बिजली अदर प्लांट से होती है। 30% अदर यानी सौर ऊर्जा हो गई, पानी से बिजली चलती है उससे हो गई अदरवाइज 70% देश की 70% बिजली जो थर्मल प्लांट्स पैदा करते हैं उनके लिए चाहिए कोयला, और सारी प्रॉब्लम हुई है इस 70% में। क्यों हुई? क्योंकि देश में कोयला बराबर उपलब्ध नहीं हो पा रहा इन थर्मल पावर प्लांट्स को। अब देखिए, देश में कुल 135 थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो कोयले से चलते हैं और बिजली पैदा करते हैं। इनको चलाने के लिए टोटल 1.4 मिलियन टन कोयला चाहिए। अब आप देखिए, 135 थर्मल पावर प्लांट्स है अपने देश में, इनको चलाने के लिए 1.4 मिलियन टन कोयला चाहिए। अब अभी वर्तमान की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको, अभी वर्तमान में 15 थर्मल प्लांट्स बंद हैं कोयले की कमी के कारण। 70 के पास सिर्फ 24 घंटे का कोयला है। ये प्रेजेंट टाइम की स्थिति देखिए, कोयला का संकट कहां हो रहा है, और 50 थर्मल पावर प्लांट के पास में सिर्फ 5 दिन का कोयला बचा है। अब स्थिति यह है, अगर इनके पास कोयले की सप्लाई और नहीं होती है तो आप समझ सकते हो कि अभी 15 थर्मल पावर प्लांट तो बंद है और फिर धीरे धीरे 24, फिर धीरे धीरे 50 भी बंद हो सकते हैं, और स्थिति ऐसी आ सकती है कि पूरे देश में ब्लैक आउट की स्थिति आ सकती है। पूरे देश में बिजली की भारी समस्या आ सकती है अगर उनको समय पर कोयला नहीं मिला इन थर्मल पावर प्लांट्स को। अब देखना, भारत में 80% कोयले का उत्पादन कोल इंडिया कंपनी करती है। 80% 100 में से 80% कोयले का उत्पादन कोल इंडिया कंपनी करती है। भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर का कोयला उत्पादक देश है। अब यह भी नोट करने की बात है, भारत चीन के बाद पूरे विश्व में दूसरे नंबर का देश है जो कोयला उत्पादन करता है, और ग्राहक भी है। कोयला उत्पादन तो करता ही है, साथ में दूसरे देशों से आयात भी करता है भारत, और भारत दुनिया में 4th नंबर पर कोयले का भंडार है। भारत में दुनिया का, विश्व का 4th नंबर का कोयले का भंडार है भारत में। अब भारत में किस किस जगह कोयला सबसे ज्यादा होता है ये देखिए आप। भारत के मुख्यतः 3 राज्य हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये 3 राज्य हैं मेन जहां कोयला का उत्पादन होता है अपने इंडिया में, अपने देश में। देश में जो बिजली बनती है, अब जो अपने देश में जो बिजली बनती है कौन कौन बनाते हैं, केंद्र सरकार कितने बनाते हैं, राज्य सरकार कितने बनाते हैं, और प्राइवेट सेक्टर कितनी बिजली बनाती है, ये देखिए। केंद्र सरकार के जो संस्थान है उसमें से 25% केंद्र के संस्थान बिजली बनाते हैं, 27% राज्य सरकार के संस्थान बिजली बनाते हैं, और 48% प्राइवेट सेक्टर संस्थान की बिजली बनाते हैं। अब ये स्थिति है, 25 केंद्र सरकार बिजली बनाती है, 27 राज्य सरकार बिजली बनाती है, और 48% प्राइवेट सेक्टर बिजली बनाते हैं। ये स्थिति आपने देख ली कि थर्मल पावर प्लांट्स के लिए कितना कोयला चाहिए, अभी वर्तमान में कितने थर्मल पावर प्लांट्स चल रहे हैं, और भारत में कोयला कहां कहां पैदा होता है। अब सबसे बड़ी बात अपन ये देखेंगे कि बिजली संकट
कोयले का संकट क्यों पैदा हुआ, इसके पीछे मैंने चार बड़े बड़े कारण देखे। वो चार बड़े कारण मैं आपको भी बताऊंगा, उन चार बड़े रीजन के कारण देश में कोयले का संकट पैदा हुआ। इन थर्मल पावर प्लांट्स में बिजली का संकट नहीं होता, अगर कोयला बराबर होता तो ये बराबर बिजली का उत्पादन करते। चार बड़े कारण हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। नंबर वन, उद्योग खुलने से मांग बढ़ी। कोरोना काल में उद्योग बंद थे, कोरोना काल चला दो साल तक, रेगुलर अधिकतर चलते ही रहा, काफी उद्योग धंधे बंद थे, जैसे अनलॉक हुआ उद्योग धंधे खुलने लगे और बिजली की मांग बढ़ने लगी। इस मांग पर जो थर्मल पावर प्लांट्स है और जो कोयला उत्पादन करती हैं कंपनियां, उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उनका जो अनुमान था कि इतनी बिजली खपत हो सकती है उद्योग खुलने के बाद में, लेकिन उनका अनुमान गलत साबित हुआ। अभी अगस्त 2021 में 124 बिलियन यूनिट खपत है बिजली की, और पहले कोरोना टाइम पे 106 बिलियन यूनिट खपत थी बिजली की। अभी आप देखिए 18-20% की वृद्धि हुई, जैसे कोरोना काल खत्म हुआ, अनलॉक हुआ और बिजनेस खुलने लगे, उद्योग धंधे खुलने लगे, तो जैसे ही स्पीडली बिजली की खपत बढ़ी, जो कोयले का उत्पादन बराबर नहीं कर रही थी कंपनियां, वो कोयला बराबर सप्लाई न कर पाई, और आज पावर प्लांट्स को कोयला बराबर सप्लाई नहीं हो रहा है और बिजली की समस्या हो रही है। सेकंड देखिए, ज़्यादा बारिश पानी भरा। हर बार मानसून जल्दी विदा हो जाता है, हर बार कहते हैं मानसून 14 सितंबर तक विदा हो जाता है, इस बार आप देखिए अक्टूबर तक बारिश होती रही, विदा हो जाता है, लेकिन अक्टूबर तक बारिश होती रही। इसके कारण क्या हुआ कि माइन से जो खदाने हैं, खदानों में पानी भर गया और पानी बाहर निकल ना सका और कोयला का बराबर उत्पादन हो ना सका देश में, यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। थर्ड, कोयला का आयात कम होने लगा। सबसे बड़ा मेजर कारण क्या रहा आपको बताया, कोयले का आयात कम होने लगा। अब आप देखिए कोयले का आयात कम क्यों होने लगा, कारण यह था कि आयात कम होने का कारण, सबसे बड़ा यह कारण था कि घरेलू कीमतों और विश्व की कीमतों में बड़ा अंतर हो गया। एक समय था जब इंडिया में कोयले की कीमत और विश्व में कोयले की कीमत कोई ज्यादा अंतर नहीं था। कोरोना काल में इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की कीमतें तेजी से बढ़ी, और यहां अपने देश में 80% कोयला उत्पादन कोल इंडिया कंपनी करती है और वही कोयले की कीमत तय करती है, लेकिन उसने क्या किया, कोयले की कीमत बढ़ी नहीं, वही रखी। तो जो सारे थर्मल पावर प्लांट्स है ना, वो सारे कोल इंडिया कंपनी से कोयले मंगाने लगे। अब अगर सारे थर्मल पावर प्लांट्स कोल इंडिया से ही अगर कोयला मंगाएंगे तो इतनी बड़ी खपत कोल इंडिया कहाँ से करेगी, कोल इंडिया इतना उत्पादन नहीं कर सकी और इन सबको कोयला प्रोवाइड नहीं करा सकी। तो विदेशों से आयात कम हो गया, सारे सब निर्भर कोल इंडिया पर हो गए, तो इतना कोयला आएगा कहां से। तो सबसे बड़ा कारण एक ये भी रहा, विश्व में कोयले की कीमतें बढ़ गई, सभी प्लांट्स कोल इंडिया से कोयला मंगवाने लगे, कोल इंडिया इतनी सप्लाई नहीं कर सकी। अभी वर्तमान में भारत ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से कोयला आयात करता है। भारत अपने यहाँ तो कोयला उत्पादन करता ही है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में, इसके अलावा भी भारत कोयला आयात करता है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से। पहले वहाँ पर कीमत थी $60 प्रति टन कोयले की कीमत थी, इंटरनेशनल में बता रहा हूँ मैं आपको, और अभी वर्तमान में $200 प्रति टन हो गई। अब देखिए $60 और $200, कितनी बड़ी कीमतों का अंतर आ चुका है इंटरनेशनल मार्केट में। वहां पे कीमत बढ़ गई, लेकिन अपने इंडिया में कोयले की कीमत नहीं बढ़ी कोल इंडिया ने, तो सारे पावर प्लांट सिर्फ कोल इंडिया पे ही निर्भर हो गए, तो कोल इंडिया इतनी सप्लाई न कर पाया और पावर प्लांट्स में कोयले का संकट आ चुका। फोर्थ, प्लांट्स ने घटाया स्टॉक। चौथा बड़ा मेजर कारण एक ये भी रहा कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं ना, इन्होंने कोयला का स्टॉक घटाया। एक समय था जब ये 20 से 25 दिन का कोयले का स्टॉक रखते थे, आगे सप्लाई हो ना हो तो भी 20 से 25 दिन के रखते थे, लेकिन अभी ये क्या कर गए, सिर्फ 7 या 10 दिन का ही स्टॉक रखने लगे। सबसे बड़ी इनकी फॉल्ट ये रही। और मैं आपको बता दूं कि इस बार पे नहीं, हर बार त्योहारी सीजन में
सितंबर अक्टूबर में बिजली की मांग बढ़ती है और हर बार की तरह पावर प्लांट्स अच्छा स्टॉक रखते हैं कि त्योहारी मांग होगी तो बिजली की खपत ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन इस बार इनकी सबसे बड़ी गलती रही कि ये त्योहारी सीजन में भी, फेस्टिवल सीजन में भी कोयला का स्टॉक नहीं रख पाए। इनका अनुमान था कि इतनी बिजली खपत होगी, लेकिन इतने कोरोना काल के बाद उद्योग धंधे चले, इधर फेस्टिव सीजन आया और बिजली की डिमांड जोर से बढ़ी और उनके पास जो कोयला का स्टॉक था तुरंत घटा और आगे से कोयला का स्टॉक आना कम हो चुका, तो सारा प्रॉब्लम एक साथ आई और फिर क्या हुआ, बिजली का संकट खड़ा हुआ। ये चार बड़े कारण रहे, इन कारण से देश में कोयले का संकट पैदा हुआ। और अभी अगर बराबर स्थिति नहीं हुई तो आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो सकती है। हालांकि गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अमित शाह ने हाल ही में लेटेस्ट दो दिन पहले मीटिंग ली बड़े बड़े हाई लेवल अधिकारियों की और जितने भी अपने देश में 135 पावर प्लांट्स हैं थर्मल, उनको कोयला सप्लाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए और आशा करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में थर्मल प्लांट्स को बराबर कोयला मिलेगा और पब्लिक को भी बराबर बिजली मिलती रहेगी। इसी के साथ आज यहीं, मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।